आजकल बॉलीवुड में हर कोई अलग शादी का ट्रेंड सेट करना चाहता है ताकि पूरी दुनिया में और पूरी मीडिया में उसके चर्चे हो। हर कोई सालों साल उनकी शादी की तारीफ करे और चर्चे करे कि उनके कपड़े, उनके डेस्टिनेशंस, उनके हर एक चीज़ का चर्चा हो। ऐसी शादियां बॉलीवुड में करने का ट्रेंड पिछले 5 से 6 सालों से चला आ रहा है और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके बॉलीवुड वाले या फिर जो सेलिब्रिटीज़ हैं अपनी शादियों के ट्रेंड सेट करना चाहते हैं। कुछ ऐसी ही शादी होने वाली है अब रकुलप्रीत सिंह और जाकी भगनानी की। इस शादी की एक बहुत ही स्पेशल बात है, ये बॉलीवुड की ऐसी पहली शादी है जिसमें कार्बन फुटप्रिंट का भी ख्याल रखा जाएगा। जितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होगा उतने पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे। ये बॉलीवुड की पहली इको फ्रेंडली शादी होगी। रकुल और जाकी 3 दिनों की लंबी शादी करने वाले हैं। गोवा में उनकी शादी होने वाली है। वो ऑलरेडी पूरी फैमिली के साथ गोवा पहुँच चुके हैं और उनके जो दोस्त है बॉलीवुड में जिनको उन्होंने इनविटेशन भेजा है वो सारे लोग भी गोवा पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। इस शादी में बहुत सारी स्पेशल बातें हैं, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहली बात तो शादी में फिजिकल इनविटेशन किसे भी नहीं भेजा गया है। आजकल ये ट्रेंड है कि बहुत सारा पैसा फिजिकल इनविटेशन पर खर्च किया जाता है, लेकिन इनका मानना यह है कि ये इको फ्रेंडली शादी होने की वजह से पेड़ काट के जो पेपर बनाए जाते हैं उसे इनविटेशन कार्ड बना के हम नहीं भेज सकते। तो इनविटेशन या तो व्हाट्सएप पे, मेल पे या फिर ऐसे मोबाइल पे भेजा गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। उसके बाद कपल ने ये भी डिसाइड किया है कि शादी में जो बारात निकलेगी और मंडप में फेरे होंगे उसमें कभी भी फटाके नहीं बजाए जाएंगे। फटाके अगर जलाए जाएंगे तो उससे एयर पोल्यूशन होगा, उससे अच्छा हम दिए जला लेंगे, फटाके इस शादी में नहीं जलाए जाएंगे। और सबसे मेन बात तो जितना भी कार्बन फुटप्रिंट इस शादी में जनरेट होगा उतने पेड़ पौधे बाद में रकुलप्रीत सिंह, जाकी भगनानी, उनके घर वाले सब तरफ लगा के उसे कवर करने के लिए आएंगे। यहाँ तक कि इस शादी में जितना भी कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होगा उसका हिसाब किताब रखने के लिए एक टीम तैयार की गई है। इवेंट मैनेजर की तरफ से एक टीम बनाई गई है कि कितना जनरेट हो रहा है और हम इसको कहाँ तक कम कर सकते हैं। जितने भी शादी में रस्मों रिवाज होंगे वो पूरे रस्मों रिवाज जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से मनाए जाएंगे। इसमें कोई भी ज़्यादा खर्च करने वाले या फिर हो सके जितने एकदम डाउन टू अर्थ रीति रिवाज मनाए जाने की कोशिश इस शादी में की जा रही है। और सबसे पहली बात तो जो दुल्हन है ये इनका कंसेप्ट था कि हम इको फ्रेंडली शादी मनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, और ढोल बाजे नगाड़े डीजे भी इस शादी में नहीं बजाए जाएंगे। बहुत ही मतलब उसका जो डेसिमल वॉल्यूम है जो हमारे कानों को सहन हो सकता है जिससे एयर पोल्यूशन नहीं होगा, बहुत ही मधुर संगीत और सिंपल वाला म्यूज़िक और सिंपल वाली शादी ये मनाई जाएगी ऐसा कपल ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी शादी अभी तक हमने नहीं देखी है और इसके बाद जब शादी होगी तब पता चलेगा कि कपल जो वादा किया है इको फ्रेंडली शादी का वो सच में निभाने वाले हैं या फिर जीवन में पूरी लाइफ में हम एक ही बार शादी करते हैं तो इसीलिए जो चाहे वो इस शादी में। हर कोई का मतलब हर एक का सपना होता है कि मेरी शादी में ये होगा, मेरी शादी में वो होगा। तो अब देखते हैं कपल ने जितने भी वादे इको फ्रेंडली शादी के किए हैं क्या वो सच में निभाने में कायम होते हैं या फिर ऐवे इन्होंने वादे किए हैं या फिर निभाते हैं या नहीं निभाते, ये शादी होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हमें तो लग रहा है कि सच में इको फ्रेंडली शादी होने वाली है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें ऐसा पता चला है कि शादी बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट होने वाली है और रिसेप्शन भी मुंबई में दिया जाएगा। उसमें भी यहाँ तक कि कपड़े और जो भी जिसमें भी कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है जो भी चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी शादी का जो सेट है जहाँ पे इवेंट होने वाला है शादी का वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी इन्होंने अलाउड नहीं किया है जो गेस्ट के द्वारा लाए जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई है। अब देखते हैं कितना
ये लोग निभा पाते हैं सारी चीज़ों का और कितना ख्याल रख पाते हैं एनवायरनमेंट का। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा और यूनिक कंसेप्ट है। हर एक ने ये कंसेप्ट में अगर अपनी लाइफ में और अपनी शादियों में अगर अप्लाई कर दिया तो ये बात तो सच है कि एयर पोल्यूशन सच में कम हो जाएगा और जो आवाज़ डीजे वाले बजाते हैं वो भी कम हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ों पर वैसे भी मतलब पाबंदी आ जाएगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो शादी ये लोग कर रहे इको फ्रेंडली वाली, ये तो पूरी मतलब गवर्नमेंट ने ना हर एक को कंपलसरी कर देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम पोल्यूशन की मार से बहुत झेल रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू रकुल एंड जाकी जिन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम इको फ्रेंडली शादी करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर देम फॉर देयर शादी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।